This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital. Highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga. हमारे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, मासूम बच्चे हैं, उनको एक अच्छे स्कूल, अच्छा तालीम देने के लिए एक अच्छा स्कूल भी हमारे पास नहीं है। स्कूल बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ पर, कम फीस में एजुकेशन दे रहे होंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट के जानिब से एक हाईटेक स्कूल हमारे पास नहीं है। मसला क्या हो रहा है, गरीब का बच्चा गरीब रह रहा है, अमीर का बच्चा और अमीर हो जा रहा है। ऑटो चलाने वाले का बच्चा ऑटो चला रहा है, होटल में काम करने वाले का बच्चा होटल में काम कर रहा है, गैरेज में काम करने वाले का बच्चा गैरेज में काम कर रहा है, लेबर काम करने वाले का बच्चा लेबर का काम कर रहा है। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि वही काम करे जो उनका शौहर काम करता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ऑफिसर बने, ये तमाम लोगों की ख्वाहिश है। बड़े फख्र की बात है, कर्नाटका स्टेट में, पूरे स्टेट के अंदर हमारी एक लड़की एक PUC में फर्स्ट रैंक सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर पास हुई है एक लड़की। तो हमारे लड़कियों के अंदर वो काबिलियत है, वो पढ़ने की सलाहियत उनके अंदर है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों को अगर हम एजुकेशन के अंदर, तालीम के अंदर अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ भी मसला होता है तो कोई भूसा नहीं हल नहीं, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है पुलिस स्टेशन में, 3-3 दिन 4-4 दिन पुलिस स्टेशन में लकड़ियों से मारा जाता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। बेगुनाह लोगों को कई दिनों से जेलों के अंदर रखा जाता है, उनके तालुक से कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ पर कोई ठेला बंडी का काम करता है तो पुलिस लकड़ी लेकर उनको मारता है, उनको बचाने वाला कोई नहीं। छोटे मोटे कारोबार करते हैं रोड के ऊपर, स्ट्रीट वेंडर, खजे बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, उनको लकड़ी से मारा जाता है, उनको उनके तालुक से, उनके स्टाफ के तालुक से कोई बोलने वाला नहीं। मस्जिद के करीब आते हैं, वहां पर अजा को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा करते हैं, उसको रोकने के लिए किसी के पास दम नहीं है सिवा नासिर हुसैन उस्ताद के। चैलेंज किया था एक स्वामी ने कि वहां पर मैं बस मस्जिद के सामने आकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, देखेंगे कौन रोकता है, रोकेंगे, वो चैलेंज किया था। तो उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद ने मैं बस मस्जिद के सामने खड़ा होकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको वहीं पर जगत सिंह खुला सर्कल की तरफ रोक दिया। ये लोगों को मामूली कांस्टेबल को साफ 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 बोलते हैं, एक लकड़ी लेकर नहीं साफ नहीं साफ नहीं साफ बोलकर रोकते हैं। यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, आनंद का मसला भी आता है, वहां पर भी लड़ते हैं। रात में जो है 4 बजे, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे फजर की नमाज हो रही थी, कई खवातीन चालीमस में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त जो है पुलिस घरों के अंदर घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पूरे जितने भी औरतों को, आदमियों को गिरफ्तार करते हैं, फिर उनको अलग अलग जेलों में डाला जाता है। तकरीबन 165 लोगों को गिरफ्तार होता है, जिसमें ऐसे दहशत का माहौल था आलंद के अंदर, कोई एक आदमी आलंद के अंदर कोई आदमी नहीं था, सिर्फ खवातीन थे, औरतें थे वहां पर, सिर्फ एक खौफ का माहौल। अब क्या होता है कि जब क्या होता है कि पूरे औरतें दरवाजा, कोई अगर जाता है, गाड़ी की आवाज आती है तो खौफ में खिड़की में से झांक कर देखते हैं। तो उस वक्त वहां पर हम आलंद में गए, आलंद में जाकर देखा, जब हम खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज नहीं निकाल रहे, डर के मारे खिड़की में से झांक कर देखते हैं। हम नासिर हुसैन उस्ताद आए हैं, मजारे लोकेट है, गोबरगा से आए, मैं डरो मत, दरवाजा खोलो, बोलते तो भी डर रहे हैं, खोलने को तैयार थे। ये खौफ का माहौल वहां पर आलंद के अंदर बनाए थे। लेकिन फिर बाद में हमने आवाज लगाई, हम आपके लिए आए, डरिए मत, खोले तो फिर दरवाजा, एक दरवाजा खुलता है, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, पूरे औरतें पूरे वहां पर जमा होते हैं, पूरे रोने लगते हैं, हम बहुत परेशान है, हम डर में है, हमारे घरों में आदमियां नहीं है, हमको खाने के लिए खाना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बोलकर वो गिड़गिड़ाते हैं, वो लोग आंखों में से आंसू निकालते हैं। वहां पर कोई हमारा लीडर वहां पर उनको बचाने के लिए, उनके बात करने के लिए नहीं आए। वैसे खौफ के मामले में, माहौल में 2 लोगों की मौत होती है, उनको खांदा देने, 2 लोगों की लाश वहां पर है, 2 लोगों की पिंजरी वहां पर रखी गई है, सिर्फ 20 बुजुर्ग लोग हैं, सिर्फ 20 बुजुर्ग, उनको खांदा देने के लिए भी कोई नहीं था। बुजुर्ग लोग खांदा नहीं ये कर सकते थे, वैसी हालत में बुजुर्गों को छोड़े थे सिर्फ, हम लोगों ने खांदा देकर वहां पर उनकी तदफीन की दरगाह के अंदर, वहां पर जनाजा नमाज पढ़ाए। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, फिर उनके साथ लड़ते हैं, बेजाज करते हैं उनको, फिर बेल पे भी छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद जो है, अब वहां पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बात किया, SP से बात किया,
गिरफ्तारी जो की गई वो गैर कानूनी तरीके से वहां पर उनके अंदर घुस कर रात के अंधेरे में जो बच्चे मासूम बच्चे घरों के अंदर सोते हैं कवातीन होते हैं दहशत का माहौल जो पैदा किया वो और रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब उनको जब बात होती है तो दोनों वहां पर एसपी साहब बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है और बहुत सारे बातें हैं आप लोगों की, हम बाद में बात करेंगे जब फुर्सत होगी तो बात करेंगे। मैं तमाम जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग नौजवान और हमारे खवातीन पर्दानशीन इज्जतदार माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग मुस्तैद होकर नासिर हुसैन उस्ताद को भारी अक्सरे से वोट डालकर कामयाब बनाइए। क्या वोट नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? मारे वाली औरत जिंदाबाद, मारे वाली औरत हमारा निशान, मारे वाली औरत क्या निशान क्या है? नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? बोलो क्या नंबर पे? 3 नंबर पे। 10 तारीख को सुबह 7 बजे दावत में कैसा जाते ना, हम तैयार होके दावत देते विद फैमिली, इनविटेशन कार्ड में आता विद फैमिली ऑवर को डालते ना, वैसे इलेक्शन के टाइम पे भी विद फैमिली जाना, जाके वोट डालना सुबह सुबह जल्दी डाल के एक तरफ हो जाना, नासिर हुसैन उस्ताद को डालकर कमी अपने क्योंकि वक्त बहुत। आपने देखा है कि कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने NRC में तमाम बातिल फिरकों का जवाब दिया है, तमाम बातिल पार्टियों का जवाब दिया है, आलम के इशू में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने जवाब दिया है, तमाम मसले मसाइल में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने जवाब दिया है। आज काम के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब चाहिए, रोड के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब चाहिए, बातिल फिरकों के लिए लड़ने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब चाहिए, हर मसले में कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब चाहिए। वोट डालने के लिए हमारे लोग कांग्रेस की तरफ वोट डालते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान बिछड़ा हुआ तबका है, दलितों से बिछड़ा हुआ तबका है। आज जो हालात हमारे हैं, जो हम जो गरीबी के शिकार है, जो परेशानी के शिकार है, जिसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि हुकूमत कांग्रेस की थी जिसके अंदर हमारी ये हालात हुई है। हमको तमाम फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस बार इंशाअल्लाह कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब को क्या भारी अक्सर से कामयाब कर असेंबली को भेजना है। वक्त कम है, कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब को और दीगर जगह भी जाना है। ये इलेक्शन गुलबर्गा के शहर के तारीख में एक ऐतिहासिक इलेक्शन है। इस इलेक्शन को आसानी से मत लीजिए। इलेक्शन हर 5 साल में आपको 3 बार आते हैं, कॉरपोरेशन का इलेक्शन, MP का इलेक्शन या MLA का इलेक्शन। इलेक्शन आते जाते इलेक्शन का एक मिजाज रहता है, इलेक्शन की एक ख्वाहिश रहती है, भाई हमारे को आए नहीं, पूछे नहीं, बात करे नहीं, क्या दे रही क्या ले रही, ये बात को बाद में रखिए, इसकी अहमियत नहीं। ये इलेक्शन हम तमाम लोगों को इसकी अहमियत समझ करके हमको इत्तेहाद को कायम करना है, सीट को बचाना है और एक मजबूत रहनुमा आपके लिए जो आपकी तकालीफ को समझकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ऐवान में अपनी बात बेबाकी से रख सकता है, उसको आपको चुनकर लाना है। मैं आप तमाम लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, जनता दल सेक्युलर का मैं कैंडिडेट हूं, हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब हैं, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तमाम मजहब के लिए वो लड़ते आए हैं, और मैं आप मदर साहब से आपने सुना है कि जो भी मामला गुलबर्गा शहर के अंदर हो रहा है, कर्नाटका के अंदर हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, अपनी एक तड़प लेकर के आपकी आवाज बनने की कोशिश की है, और आज आपके बीच में जो मेरी 5 साल की 15 साल की जो जद्दोजहद है, जो मैंने मेहनत की है, जो आपके लिए मजबूती से बेबाकी से आपकी आवाज बन करके खड़ा हुआ हूं, आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। जो शख्स मेहनत करता है, आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप अपना घर चलाते हैं, मेहनत आप करें और आपको मेहनताना मिलना चाहिए, यही उसूल है। आप मेहनत करेंगे और मेहनताना अगर आप किसी और को देंगे तो यह कहां का इंसाफ? आज बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू शहर में हो रही है। नासिर भाई अच्छे लीडर हैं, हमारे लिए मजबूती से खड़े होते हैं,
हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, काम अच्छा मैंने किया है और मेहनत आना जब देने की बात आ रही है तो कांग्रेस के जो चंद लोग वो जो है फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई वो सही है, नासिर साहब अच्छे लीडर हैं, बेबाक हैं, काबिल हैं, सारे चीजें हैं, मगर वोट कांग्रेस को दीजिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। तो आज इस किस्म की बेहुदे बातों से हमको परहेज करना है। सही बात है कि नहीं है? जो मेहनत कर रहा है उसको मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेहनत मैं कर रहा हूँ, काम आपका मैं कर रहा हूँ, तो मेहनताना मुझे ही मिलना चाहिए। ये हक है, ये इंसाफ है। और आप गरीब लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, आप लोगों से ही उम्मीद की जा सकती है कि आप इंसाफ करेंगे। बड़े बड़े ताजिर उनके मजबूरियां हैं, बड़े बड़े पैसे वालों की उनकी मजबूरियां हैं, उनके बड़े बड़े काम अटके हुए हैं, वो लोग डरते हैं, सहमते हैं, बड़े लीडर बोलने के बाद डर जाते हैं। आपको तो किसी का डर नहीं है, है क्या किसी का डर? तो आज मैं आपके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही कहना चाहता हूं। सोनिया गांधी कॉलोनी का जो मामला है ये ग्राम पंचायत में भी नहीं है, कॉरपोरेशन में नहीं है। इंशाल्लाह जीतने के 3-4 महीने के अंदर इस मोहल्ले का एक फैसला लिया जाएगा, इंशाल्लाह ताला इसको गुलबर्गा कॉरपोरेशन में ऐड करने का काम नासिर हुसैन साहब करें। यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम है, हमारे खवातीन को रोजगार देने का मामला है, साफ पीने के पानी का मामला है, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, ये हमारे पार्टी का पंचरत्न योजना है। इंशाल्लाह वो तमाम फैसिलिटीज जो हुकूमत की तरफ से मिल सकती हैं, हमारे खवातीन को जो संघ में है उनको लोन दिया जाएगा, लोन माफ किया जाएगा, 5 सिलेंडर साल को फ्री, कितने 5 सिलेंडर साल को आपको फ्री दिए जाएंगे, आपके जो पुराने लोना है वो माफ किए जाएंगे, फ्रेश लोन दिए जाएंगे। ऑटो ड्राइवर कितने इसमें? ऑटो ऑटो ड्राइवर कौन कौन है, हाथ उठाओ। जितने भी लोगों के ऑटो हैं, ऑटो ड्राइवर्स को महीने को 2000 रुपए उनको गवर्नमेंट के तरफ से दिए जाएंगे, जनता सेक्युलर हुकूमत। बस इसलिए वक्त बहुत हो गया है, अभी 4 प्रोग्राम 10 बजे के अंदर करना है, तो इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको इंसाफ करना है। करेंगे इंसाफ? हाथ उठा के बोलिए इंसाफ करेंगे, मुट्ठी बांध के बोलिए इंसाफ करेंगे। जब तक जिंदा हूँ आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपको इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? बारे वाली औरत, औरत के तरफ मत देखो, बारे वाली मेहनत करने वाली औरत के तरफ देखो। शुक्रिया। और बहनों देखो, सोचो समझो, लेकिन ये मिल्लत के वास्ते में क्या है मालूम है, लड़ने वाला एक इंसान है, एक काबिलियत इंसान है, ये अच्छा काम करने वाला है, अच्छे बुरे टाइम में हमारे काम में आने वाला इंसान है, लेकिन क्या है मालूम है, अपने दिल से क्या है मालूम है, चंद लोग आते हैं थोड़े बहुत पैसा की आस लगाते हैं, आपको वो करते हैं ये करते हैं। मेरे माँ बहनों, पैसों की आस को क्या है मालूम है, आपका ईमान मत बेचो, क्या है मालूम है, अपना एक वोट क्या है मालूम है, एक हक है हमारा देना, ये वोट क्या है, एक हक से क्या है मालूम है, एक नासिर उस्ताद को एक बार चुन को ला कर देखो, तुम्हें आगे क्या है मालूम है, हमारे को क्या करते हैं उन्होंने, क्या नहीं करते हैं इनका मालूम होता है। 5 साल में हमारे को औकात मालूम होती है, कौन लीडर क्या करता है भाई एक आवाम के वास्ते, क्योंकि मालूम है एक बार हमारे हर मुसलमान भाई जो भी है, जो भी लोग है, एक बार नासिर उस्ताद को क्या है मालूम है, चुन कर ला कर हम कामयाब कर देखना है हमको, क्या भाई क्या करे भाई नासिर उस्ताद हमारे आवाम के लिए, हमारे लिए क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल बस भाई इतनी बात कर मैं सलाम अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर हो मुत्तहिद तो बदल दो गुलशन निज़ाम, गर हो मुत्तहिद तो बदल दो गुलशन निज़ाम, गर हो मुंतशिर तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज सोनिया गांधी क्वार्टर्स के तमाम खवातीन ने, तमाम जिम्मेदारों ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब कायदे मोहतरम को सपोर्ट का ऐलान किया है। वो इस वजह से सपोर्ट का ऐलान किया है कि कायदे मोहतरम नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने अलंग की दरगाह के इशू के लिए, मस्जिद महबस के तहफ़ के लिए, तमाम बातिल फिरकों के खिलाफ, तमाम फिरका परस्तों के खिलाफ, ये RSS वालों के खिलाफ, BJP वालों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देते हुए गुलबर्गी की सरजमीन से जवाब दिया है। तमाम लोग जहाँ पे जिसको हमने MLA बनाकर भेजा था, मैडम को जिता कर हमने असेंबली को भेजा था,
वहाँ पे हमारी बहनों के सरों से दुपट्टा निकाला जा रहा था, हमारे बहनों को कॉलेजों से बाहर किया जा रहा था, हमारी माँ बहनों को जो तालीम से दूर किया जा रहा था, वैसे में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने गुलबर्गी की सरजमीन से पुरजोर मजम्मत करते हुए नेशनल टीवी पे डिबेट करते हुए इन बीजेपी के इन फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज तमाम गुलबर्गी के उलमाए कराम की, तमाम मशायखीन की, तमाम एरिए वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हमको मजबूरी से नहीं मजबूती से वोट देना है, मजबूरी से नहीं हमको मजबूती से वोट देना है, हमको एक मजबूत खायत को असेंबली में भेजना है ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके, हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल बेहतर हो सके। मैं तमाम सोनिया गांधी की आवाम का दिल की अमीख गहराइयों से, तमाम जो हमारे सरपरस्त जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इनकी मोहब्बत से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है, इनके जज्बे से प्रोग्राम कामयाब हुआ है।